चलिए बिहार के, आपको बता दें कि बिहार के काशीनगंज टाउन थाना क्षेत्र के एक, यहाँ पर आपको बता दें कि अवनीश कुमार की हत्या के बाद जब उनका पार्थिव शरीर घर लौटा है तो बेटे की मौत के बाद यहाँ पर गम में उनकी माँ भी मौत हो गई है। और आपको आपको बताते चले कि पूर्णिया के जानकी नगर थाना के अभयराम चकला पंचायत के चापू मंडल टोला निवासी दिव्यांगत थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार की माँ उर्मिला देवी पटना में बहू मीना और बच्चों के साथ रहती थी। दिव्यांगत थाना अध्यक्ष के पिता महेश्वर प्रसाद यादव सेवानिवृत्त शिक्षक थे और जिनकी देहांत कुछ साल पहले हुआ था। अब बता दें कि किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार की हत्या से परिजनों में उबाल देखा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों का कहना है कि ये साजिश है। चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बताते कि लक्सर के महेश्वरा गांव में किसानों के खेतों में खड़ी फसल में अचानक आग लग गई है, जिससे गेहूं और गन्ने की पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई है। किसानों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें कि आग पर काबू पाया गया है। गनीमत ये रही है कि दूर खेतों की फसल में आग के फैलने से पहले ही यहां पर गाड़ियां पहुंची और जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। और मेरे पास यही गेहूं थे और काफी मेरा नुकसान हो गया और मेरे हाथ में अभी ये रह गया और कुछ नहीं, राख ही राख है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है किसानों का। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण कुमार जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कारण रहा आग लगने का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ पे जो है लखसर के दासी महसी गांव के जो किसान है उनके जो है खेतों में अचानक आग लगने से हजारों का नुकसान जो है उन लोगों का हो गया है। और इसमें दो किसान है जिसकी एक गेहूं की फसल थी और दूसरे किसान की जो है गन्ने की फसल थी जो कि पूरी तरीके से तैयार थी। और कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी जो पूरे साल की जो मेहनत है वो जो है फसल पर ही जो है निर्भर है। और हमारे द्वारा उनसे जो है जानकारी की गई तो उन्होंने उनका भी यही कहना है कि जो है हमारी कमर टूट चुकी है, इस फसल के जलने से हमें जो है काफी नुकसान हुआ है। जी जी मुआवजे को लेकर अभी तक क्या कुछ बात हो पाई है? बिल्कुल, आपको बता दूं इसमें जो है अभी कोई प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो उनका भी यही कहना है कि अभी इसमें जो है जांच भी कराई जाएगी कि मतलब आग जो है आग लगने का कारण क्या रहा है। FS तो है मेहताब अली जी जो तैनात है फिलहाल लखसर में, वो तुरंत ही सूचना मिलते ही जो है मौके पर पहुंच गए थे अपनी टीम के साथ और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो है फसल जो है पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। चलिए अरुण, लेकिन तमाम गनीमत जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से भारी नुकसान बताया जा रहा है।